सब्सक्राइब कीजिए अमेजिंग स्मृति को, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए। मध्य प्रदेश कर्मचारियों को मिलेगा 1 या 2 माह बाद महंगाई भत्ता। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार कर्ज लेकर देगी डीए। भोपाल। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार अपने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को दशहरे और दिवाली का तोहफा देने जा रही है। यह तोहफा महंगाई भत्ता, महंगाई राहत यानी कि डीए और डीआर का होगा, जो अगले 1 से 2 महीने में कर्मचारियों को दे दिया जाएगा। इसके लिए सरकार कुछ अतिरिक्त कर्ज ले रही है। यह कर्ज 2000 करोड़ रुपए का है, लेकिन यह कर्मचारियों के लिए ही नहीं है, इसमें बहुत सारे विकास के अलावा अन्य कार्य करने हैं। उपचार संबंधित सुविधाओं को मुहैया कराई जाएगी। मध्य प्रदेश के वित्त विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी कर 2000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने की बात कही है। यह कर्ज की रकम 1 सितंबर से आगामी 5 साल के लिए ली जा रही है। इस कर्ज को लेने के बाद राज्य सरकार पर टोटल 2.53 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो जाएगा, जो मध्य प्रदेश के सालाना बजट 2.41 लाख करोड़ से ज्यादा है। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 2 माह पहले भी 2000 रुपए का कर्ज लिया था। कमलनाथ सरकार भी 2019 में 23.43 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी थी। सरकार को अब चिंता इस बात की है कि कोरोना काल में उसकी रेवेन्यू घट रही है और केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है। एक तरफ केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ता लगातार बढ़ाती जा रही है, वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार के पास पैसों की कमी है। इस कारण से कर्मचारियों को अभी तक महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। फिलहाल मध्य प्रदेश के कर्मचारियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच 16% महंगाई भत्ते का काफी बड़ा अंतर हो गया है और यह 3% और बढ़ जाएगा। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 3% और देने जा रही है। अब ऐसे में मध्य प्रदेश सरकार को मजबूरी में अपने कर्मचारियों को, या कहे अन्य राज्य की सरकारों को, अपने कर्मचारियों को केंद्र के समान डॉक्टर देना होगा, क्योंकि राजस्थान, उत्तर प्रदेश के अलावा कुछ अन्य राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता देने लगी है। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को फिलहाल 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो केंद्र से 16% कम है।